मैं ये वीडियो बनाने के हालत में तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। 4-5 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं एंड ही वॉज कोरोना पॉजिटिव। ऐसा था कि फ्राइडे से 3-4 दिन पहले उनको फीवर चल रहा था थोड़ा सा, एंड उनकी तबीयत ठीक थी, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, नॉर्मल थे, फीवर था हल्का फुल्का, तो दवाई दे रहे थे। और थर्सडे को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो मैं उनको लेके गया हूँ हॉस्पिटल, लेकिन किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया क्योंकि कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया था। तो वो कहते हैं कि कोरोना का टेस्ट करवाओ फिर एडमिट करेंगे। तो मैं थर्सडे को शाम को DMC, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है दयानंद मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे लेके गया पापा को एंड वहाँ पे उनका टेस्ट करवाया कोरोना का। वो कहते हैं कि 4 घंटे तक रिपोर्ट आ जाएगी या फिर अगले दिन सुबह 12 बजे तक। तो मैं लेके उनको घर आ गया उसके बाद, क्योंकि उनकी तबीयत तब सही थी, मेरे से बात कर रहे थे प्रॉपर। एंड फ्राइडे को सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी एंड मेरे को एकदम से उनको DMC दोबारा लेके जाना पड़ा, बिकॉज़ उनसे सांस नहीं ली जा रही थी उसके बाद। तो मैं सुबह 10 बजे वहाँ लेके पहुँच गया हूँ पापा को। मैं वहाँ पे DMC में मैंने कहा कि ऐसे पापा को सांस नहीं ली जा रही। उन्होंने एमरजेंसी के बाहर ये एक डिवाइस होता है ऑक्सोमीटर, उससे ब्रीदिंग चेक की पापा की, तो वो आ रही थी 40, मतलब नॉर्मल एक इंसान में मतलब 9900 इतनी होनी चाहिए ऑक्सीजन लेवल, एंड 90 से नीचे जाए तो ऑक्सीजन देनी पड़ जाती है एंड 60 से नीचे डेंजर होता है। तो पापा की आ रही थी 40 ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे से ऑक्सीजन मास्क परचेज करवाया एंड एमरजेंसी के बाहर ही स्ट्रेचर के ऊपर पापा को वहाँ पे उन्होंने लेटा दिया एंड वहाँ पे उनको मास्क ऑक्सीजन का लगा दिया, एंड तब भी उनको ऑक्सीजन आ रही थी सिर्फ 40। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की DMC वालों से कि एडमिट कर लो एडमिट कर लो, लेकिन वो कहते जब तक रिजल्ट रिपोर्ट नहीं आएगी कोरोना की तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। मेरी आंखों के सामने पापा से सांस नहीं ली जा रही थी बिल्कुल भी। एंड 12-1 बज गया हमें, मैं गया कलेक्शन सेंटर रिपोर्ट कलेक्ट करने, वो कहते हैं कि रिपोर्ट अभी नहीं आएगी, 5 बजे आएगी। और तो मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा रिपोर्ट बहुत लेट आ रही है। मैंने फिर रिक्वेस्ट की वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर्स थे सबको, नर्स को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप तब तक ट्रीटमेंट तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो शुरू करो, ड्रिप लगा दो कम से कम, कुछ तो कर दो, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं दोबारा गया वहाँ पे 1-2 बजे, मैंने कहा अब तो दे दो रिपोर्ट, तो वो कहते हैं कि अब 8 बजे आएगी, और बिना उसके रिपोर्ट के वो लोग एडमिट भी नहीं कर रहे थे पापा को। तो उसके बाद हमने मतलब हमने बहुत उनको बोला कि आप करो एडमिट करो इस तरह। तो उसके बाद रिपोर्ट आई, 3 साढ़े 3 बजे रिपोर्ट आई, बहुत कहने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी हमें, 3 साढ़े 3 बजे रिपोर्ट आई जिसके अंदर पापा को कोरोना पॉजिटिव निकला। लेकिन जैसे हमने कहा कि अब तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, अब तो आइसोलेशन में शिफ्ट कर दो, ट्रीटमेंट शुरू करो, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहते हमारे पास बेड नहीं है, हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ। मेरी आंखों के सामने पापा मेरे को कहते बुला के कहते 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 मेरे को सांस नहीं आ रही, कहते मेरे को प्रॉब्लम हो रही है सांस आने में। मैं उनको ये कह रहा था, मैं कहा मेरे को पता है पापा नहीं आ रही, मैं इतना रिक्वेस्ट किया वहाँ पे लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और 4-4:30 बजे जब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पापा ने मेरे को बुलाया, मेरे को कहते अब मेरे से सांस ली ही नहीं जा रही। मैं एकदम से मैं वहाँ पे रो पड़ा और मैं वहाँ पे बोल रहा था, चाचू को बुलाया मैंने, वहाँ पे मेरे साथ थे मेरे चाचू मेरे ताया, मैंने उनको कहा, मैं कब पापा से नहीं बोला जा रहा, मैं कहा प्लीज़ जल्दी से कुछ करो कुछ करो। एट द एंड DMC वालों ने हमें नहीं एंट्री दी वहाँ पे, ना एडमिट किया। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, मेरे को एम्बुलेंस भी अरेंज नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर, मैं कहा एम्बुलेंस अरेंज करवा दो, मैं किसी और हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मैंने फ़ोन पे सारे हॉस्पिटल्स पे पूछ लिया, यहाँ पे 40 हॉस्पिटल है, CMC है और भी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो है, तो सब पे फ़ोन करके पूछ लिया, कहते हमारे पास बेड ही नहीं है, हमारे पास मत लेके आना, सब ने यही जवाब दिया। मुझे पता वहाँ पे मेरी क्या हालत थी, और मैं एम्बुलेंस भी मैंने अपने फ़ोन से बुक करवाई, एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस थी, DMC से सिविल हॉस्पिटल लेके जाना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा, उसके लिए उसने 4,000 मांगा, हमने कहा दिए यार तुम, हमने एम्बुलेंस बुलाई
ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस थी पापा को, उसमें हमने मैंने खुद ही, किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, मैंने खुद ही उठा के पापा को एम्बुलेंस में डाला एंड वहाँ लेके जा रहे थे। तो सिविल हॉस्पिटल पहुँचते ही, अभी इलाज शुरू भी नहीं हुआ था, तो वहीं एम्बुलेंस में ही पापा एक्सपायर हो गए। और सब मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी पापा ने सारी उम्र कमाया है, हमारे लिए कमाया है, एंड हम उनका ट्रीटमेंट तक नहीं करा पाए। मतलब मेरे को, मैं इस बात से हैरान हूँ, पापा को बेड ही नहीं मिला, ये कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पे मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ कि लुधियाना में कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पंजाब में बोल तो रहे हैं कि हम बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे वहाँ पे, ऐसे पड़े हुए हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं रख रहे। मैं अब आपसे बस एक ये, अभी पूरे हमारे घर को भी क्वारंटाइन किया हुआ है, हम सबके टेस्ट हुए हैं, क्योंकि मैं फादर के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में था। पॉजिटिव आने के बाद भी पापा को मैं तो अकेला छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर पास नहीं आ रहा था, तो मैं ही पापा के पास था। तो अभी हम सबके टेस्ट दिए हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं, हमारी भी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं अभी तक। और मैं आप सबको बस यही इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप अगर बीमार पड़ जाते हो तो आपको बेड नहीं मिलेगा। और डीएमसी वालों ने, डीएमसी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लुधियाना में जितने भी लोग हैं, डीएमसी बिल्कुल मत जाना। डीएमसी वालों को कोई परवाह नहीं आपकी लाइफ की, हम कीड़े मकोड़े उनके लिए। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में ना रहूँ ना रहूँ, तो बस अब मैं वीडियो एंड करने लगा हूँ। आप लोग बस, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं दो दो तीन दिन से मेरे को अब ये पता लग गया कि अगर आप लोगों में से कोई किसी को बुखार लगता है तो सबसे पहले जाके टेस्ट करवा लो कोरोना का, क्योंकि 2-3 दिन तो रिपोर्ट्स आने में लग जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू होते होते बहुत टाइम लग जाता है, तब तक केस बिगड़ ना जाए। बस जिसको थोड़ा बहुत बुखार लगता है वो जाके करवाए टेस्ट अपना। और सिविल हॉस्पिटल जो है वो है लेवल 2 हॉस्पिटल है, बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल लेवल 3 हैं। तो सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल जाओ, सिविल हॉस्पिटल वालों के पास लिस्ट होती है कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सा बेड खाली है, वो लिख के देते हैं, तो पेशेंट को एंट्री होती है किसी और बड़े हॉस्पिटल में। तो ये सिस्टम किसी को नहीं पता, ना कोई अवेयर कर रहा है। तो आप लोग रश कर सकते हो सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल, मशीनरी वहाँ पे नहीं है, वेंटिलेटर वहाँ पे नहीं है, मेरे को पता है। लेकिन आप लोग अगर पैसा है, अप्रोच है, तो आप लोग सिविल हॉस्पिटल में से लिखवा सकते हो कि किसी बड़े हॉस्पिटल रिकमेंड कर दें, तो फिर वो भेज देते हैं। बाकी जितना आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हो, ये कोरोना कोई मजाक नहीं है, अब तो हमारे हमारे साथ ही बीत गई ये चीज़। तो